नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, संसार के हर मानव के जीवन में कुछ सपने, कुछ इरादे होते हैं जिसे वह सच करना चाहते हैं। चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, रियली में कुछ इंसान के जीवन में ऐसी बातें हैं जो इंसान अपने आप गलती करने से आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, जैसे सुबह में जब इंसान सोकर उठता है तो उसको इतना पता है कि हमें सुबह में क्या क्या करना है। वह भी एक सिस्टम है। सुबह में उठने के बाद हमें शौच जाना है, मुंह हाथ धोना है, ब्रश करना है, नहाना है, फिर नाश्ता करना है, फिर काम पर जाना है। यह भी तो एक सिस्टम है। लेकिन जब इस सिस्टम को वह जानता है तो फिर एक अलग तरीके से जो काम करना चाहता है उस सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो कर पाता है। दोस्तों, उसमें इस चीज़ की कमी है। इस चीज़ को हम कैसे पूरा करेंगे? सबसे बड़ी बात है इस पे फोकस करना। जिस दिन ये इंसान समझ लेगा कि एक छोटे से सिस्टम को हम कैसे फॉलो करते हैं, अगर उसको ये समझ में आ जाएगी तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी फॉलो कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके इरादे मजबूत हों कामयाबी की, तो असफलता कभी भी आपको डरा नहीं सकती है। दोस्तों, इरादे इतने मजबूत करो, इतनी मजबूत करो कामयाबी के कि डर आपसे कहीं काफ़ी दूर चली जाए। दोस्तों, बिना तकलीफ के सपने पूरे नहीं होते, तकलीफ से जो सपने पूरे होते हैं वो भूले नहीं होते। दोस्तों, इंसान ये चाहता है, अगर कुछ इंसान को छोड़ दिया जाए तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमें बनी बनाई खीर मिल जाए, लेकिन बनी बनाई खीर सबको नहीं मिल सकती है। कुछ दोस्तों पाने के लिए खोना कुछ नहीं है, पाना ही है। अगर कोई काम आप करते हैं और अगर उस काम में असफल हो जाते हैं तो उसमें नाखुश की क्या बात है, उसमें उदासी की क्या बात है। आप जब असफल हो गए तो उससे कुछ न कुछ सीख मिलेगी आपको, और उस सीख को जब आके प्रयोग करोगे, उपयोग में लाओगे, उसके अनुसार काम करोगे तो फिर तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए ऐसा मत कहो कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। जब काम आप करोगे तो गलतियां होगी ही होंगी। जब गलतियां होंगी तो आप में सुधार होगा। जब आप में सुधार होगा तो आगे गलतियां नहीं होंगी। जब आगे गलतियां नहीं होंगी तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो इंसान अपने आप पर विश्वास रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, जिस दिन से आप अपनी मेहनत को आदत में बदल दोगे उस दिन से कामयाबी भी तुम्हारे पास आने के लिए रास्ता बना लेगी। जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की करो, नशा दौलत की नहीं कामयाबी की करो। ऐसा करके देखो दोस्तों, आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं। आपको कामयाबी मिलकर ही रहेगी। दोस्तों, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है, चाहे कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे। कामयाबी वही इंसान प्राप्त कर सकता है जो समझता है कि जिस तरह से हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार इस काम को किए बिना हम पीछे नहीं हट सकते हैं। दोस्तों, कामयाब इंसान दो चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखता है। पहली, एक चेहरे की मुस्कुराहट, और दूसरी अपनी चुप्पी। मुस्कुराहट से उसकी हर चुनौती का समाधान मिल जाता है, और चुप्पी रहने से हर चुनौती के टालने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, आप उस चींटी का कमाल देखिए जो बिना दिशा निर्देश के अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाती है, जबकि आप अपने काम को पूरा करने के पहले ही भाग जाते हैं। दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपने जगह बदल देते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को अपने जीवन में अपनाइए,
और उसके बाद अपने काम को एक्शन में लीजिए और देखिए कि आपको सफलता कैसे ऊंचाइयों पर ले जाकर छोड़ती है। इन चीजों को अपनाना आपको अपने जीवन में बहुत जरूरी है दोस्तों। और कुछ मैं अभी मोटिवेशन की बातें बताने जा रहा हूँ जो आप अपने जीवन में अपनाकर एक खुशहाल जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये बातें आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि समस्या का आना इसका मतलब है कि आप कुछ काम कर रहे हैं। समस्या ही आपको आगे ले जा सकती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डुबो दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जो आग हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। दोस्तों, मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान होती हैं। जब वे केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। उनका कहना था APJ अब्दुल कलाम साहब को का कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए, कुछ नया करने की उमंग उनमें हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति संभव नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्होंने शिक्षा को हमेशा ही बहुत महत्व दिया है। दोस्तों, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी झुकने की नौबत आ जाए तो वीरों की तरह झुको। जो फूलों को देखकर मचलते हैं उन्हें कांटे भी जल्दी लगते हैं। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना होता है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल खून से चुकाए। दोस्तों, हमें इन सभी बातों को अपने मन में, अपने हृदय में रखकर अपने आप का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए और हमेशा ऊंची बातें सोचना चाहिए। किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर उसमें रुकावटें आती हैं तो आगे बढ़ते रहो, उस रुकावटों को दूर करते रहो, आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे। आप इन सभी बातों को अपने जीवन में एक बार अपना कर देखो कि आपको सफलता कैसे मिलती है। और एक दिन समय आ जाएगा कि सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।